जब से आनंद कुमार की बायोपिक की घोषणा की गई है तब से यहां एक ही बहस ही चल रही है। यह आधे सच पर आधारित है। बताया जा रहा है कि यह बायोपिक सुपर 30 : चेंजिंग द वर्ल्ड 30 स्टूडेंट्स एट ए टाइम बुक पर आधारित है, जिसमें अभ्यानंद का कोई उल्लेख नहीं है, जो कि सुपर 30 के सह संस्थापक है। यह संस्थान समाज के 30 सुविध्वंसित छात्रों को एक मंच मुहैया कराती है, जहां वो देश के सर्वाधिक कठिनाई माने जाने वाली प्रवेश परीक्षा IIT की तैयारी करते हैं। अब विकास बहल ने ऋतिक रोशन को डायरेक्ट करने के लिए खुद को तैयार कर लिया है, जो कि इस बायोपिक सुपर 30 में आनंद का रोल अदा करेंगे, परंतु इस फिल्म में अभ्यानंद का कहीं कोई जिक्र नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म में अभ्यानंद का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आनंद इस फिल्म में खुद का ही चित्रण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ना तो कभी उन्होंने अभ्यानंद को क्रेडिट देना तो दूर की बात है, आज तक उन्होंने उनके योगदान का जिक्र भी नहीं किया है, जबकि हम सभी बिहारवासी ने आनंद और अभ्यानंद के रूप में अपने दोनों ही आंखों से IIT जाने का सपना देखा था। महानता दिखाकर अमर होने की बजाय क्षणिक प्रसिद्धि के लिए वो यह कैसे भूल गए कि शिक्षक समाज को जोड़ता एक सूत्र में पिरोता है। हम तो उनसे अभ्यानंद जैसा सोच व्यवहार और सादगी उम्मीद भी नहीं कर सकते। सुपर 30 एक महागाथा है, जो किसी एक अकेले की कामयाबी हो ही नहीं सकती। इस महागाथा में विश्ववार उत्कृष्ट शिक्षकों का समूह, पढ़ाने की अनूठी शैली, छात्र व शिक्षक का अद्भुत संयोजन है। कैसे कोई कह सकता है कि किसी एक व्यक्ति की कहानी है, वो भी तब जब आप प्रदेश देश विदेशों के दौरे पर होते हैं। क्या आपके साथ कोई और शिक्षक नहीं होते? क्या अन्य शिक्षकों को इस कामयाबी और प्रसिद्धि का अंश मात्र श्रेय भी नहीं मिलना चाहिए? खैर छोड़िए, आनंद के बारे में जितनी बातें की जाए काम ही है। सोशल मीडिया, लोकल मीडिया पर उनके विरुद्ध एक मुहिम जैसा दिख रहा है, जो धीरे धीरे अपना आकार ले रहा है। लोग खुलकर उनके खिलाफ सामने आ रहे हैं। प्रायः अखबारों में उनके बारे में कुछ न कुछ नकारात्मक खबरें छपती ही रहती है, कभी धड़ाधड़ जमीन की रजिस्ट्री तो कभी उनकी कार्यशैली और प्रश्न चिन्ह। इतना कुछ होने के बावजूद सरकार भी उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर के तरह प्रदर्शित करती है। अभ्यानंद ने कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया कि सुपर 30 की धारणा उनके दिमाग की उपज है। पिछले साल उन्होंने IIT के नतीजे आने के पूर्व ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बता और जता भी दिया। उन्होंने अपने सारे 22 प्रतिभागियों को मीडिया के सामने सिर्फ प्रस्तुत ही नहीं किया, बल्कि दावा भी किया कि गुवाहाटी जोन का टॉप रैंकर अभ्यानंद सुपर 30 का होगा, और ऐसा हुआ। क्या हम आनंद से ऐसा उम्मीद कर सकते हैं? आज तक उनके तरफ से सिर्फ यह सूचना दी जाती है कि उनके से संस्थान के 30 बच्चों का IIT में चयन हुआ है। आज तक कभी सूची नहीं आई कौन सी IIT, कौन से 30 बच्चे। वो सिर्फ समाज को ही नहीं बल्कि मीडिया को भी दिग्भ्रमित कर अपना महिमा मंडन करवाना चाहते हैं। उनके इस फरेब की गाथा सोशल व लोकल मीडिया से होते हुए राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। उन पर आधारित बायोपिक भी इसी महिमा मंडन का परिणाम है। अगर यह फिल्म सत्य पर आधारित होती तो हम बिहार वासियों के लिए गौरव की बात होती, राज्य की अलग छवि बनती, पूरे विश्व में इसे लेकर चर्चे होते, किंतु एक इंसान के स्वार्थ मात्र ने पूरा जायका ही खराब कर दिया है। हम तो यही चाहेंगे कि फिल्म के निर्माता निर्देशक तथ्यों को समझदारी पूर्वक जांचे, परखे, तब फिल्म को आगे बढ़ाएं।